आज हम बना रहे हैं झींगा फ्राई। इसके लिए हमने लिया है, ये 500 ग्राम झींगा है। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है, इसका जो बीच में जो ये रस्सी होती है इसको भी निकाल दिया है, बिल्कुल साफ कर लिया है। अभी हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इसके लिए हमने ये नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नींबू का रस डालेंगे इसमें हम। ये सूखे मसाले हमने निकाले हैं, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है ये 1/2 चम्मच, और ये चाट मसाला है 1/2 चम्मच, और ये कलर है ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, और ये गरम मसाला पाउडर है ये भी 1/2 चम्मच है। ये सारे सूखे मसाले हैं, ये भी हम इसमें सारे डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 चम्मच है, ये भी डाल देंगे। ये करी पत्ता है, इसको बारीक कट किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, ये बाइंडिंग के लिए। ये बेसन का आटा है, इसकी जगह हम चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन के आटे से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये हम डाल देंगे। ये सब लगाकर हम 1/2 घंटा भी रखेंगे तो भी चलेगा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। हमको सब ये हाथ से अच्छे से मसल कर रख देना है। देखिए हमारा मसाला लगाकर हो गया है, 1/2 घंटा आप रख दें, आपके पास वक्त हो तो 1-2-3 घंटा भी रख दें, फिर उसके बाद में आप फ्राई कर ले। अभी मैं इसको रख कर बाद में फ्राई कर लूँ। यहाँ पे हमने ऑयल गरम के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा भी गरम ना करे वरना जल जाएगा। अभी हम एक एक करके डाल दें। ये जो हमारे कटे हुए करी पत्ते जो इस पे लगे हैं ना, ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगेंगे इस पे। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। कलर का तो मैंने आपको ऑप्शनल बोला है, लेकिन कलर आपको लगाना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत जल्द फ्राई हो जाते हैं ये। देखिए देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। बस और 2 मिनट हम रखेंगे फिर निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा भी हमको इसको फ्राई नहीं करना है। माशाल्लाह देखिए बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं ये। देख लिया, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, निकाल देती हूँ मैं। इस तरीके से आप जरूर जरूर बनाकर देखिए। माशाल्लाह ये हमारा झींगा फ्राई बनकर रेडी हो गया है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।